शांति। आज 21 मई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना, मनमत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करें? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत है, तूने रात गवाई सोके, ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मेरे यह ऑर्गन्स। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ? यह समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने कारण मैं कराता हूँ। यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो, उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, यह शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करें, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो, बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए
जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं, पलके को ये यह आंखें नहीं। यह तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है। पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्र माला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्र माला में नज़दीक आना उनकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद न पड़े ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखला कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है। सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़, एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ? पहले यह निश्चय चाहिए, मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं
तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ, वही फिर रिपीटिशन होगी। कोई रिपीटिशन को मानते हैं, कोई क्या कहते, अनेक मते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, यह फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान ही होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती, 16 कला से 14 कला बनना है, तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत हैं। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, यह बहुत गुह्य राज है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भल यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो, बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, यह बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं, यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकेंड नंबर में आने लायक हैं, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है, पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो है नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहा मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पार्ट बजाने का नहीं है, न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, यह हो बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंच है ही परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। यह ज्ञान के बाण ज्ञान कटारी की बात है, मेहनत है पवित्रता में, बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है,
बाप आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो श्रापित करती हैं। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए, बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को ही हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है, सबकी जोत जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है, गाते हैं ना कितना मीठा कितना प्यारा, लेकिन बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए, जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर, तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहा अपनी मत दिखाई दे, कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो, जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट है चलते फिरते अपना समय नहीं गवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है, देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान है ड्रामा के हर रास को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर रास को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। विश्लेषण है जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर रास को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो रास को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी है राजी भी है वही बाप के समीप और समान है। आज का स्लोगन है जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट यानी महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट यानी महात्मा है। अच्छा, ओम शांति।